हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गॉस की परमेय को, इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसगुल्लों। पिछले कई साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे देन आपको गॉस का परमेय और इसके अनुप्रयोग, ये टॉपिक 5 नंबर में दिखाई पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है और इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले गॉस की जो प्रमेय है बच्चों वो देख लेते हैं। गॉस की जो प्रमेय है वो क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक, ये होता है कथन ये इसका, ठीक है ना, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी फाई ई होता है बच्चों, वो कह रहा है कि उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक, फाई ई बराबर Q/ε0, ठीक। और इसी चीज को क्या करना है, हमें प्रूव करना है, इसी चीज को बच्चों हमें को प्रूफ करना है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी को भाई देखते हुए याद आ रहा है कि सैया ने ऐसे देखा मैं पानी हो गई, लेकिन यहाँ पर सैया जी ने नहीं बल्कि भाई सूर्य देव जी ने देख लिया। भाई सूर्य देव ऐसे देख लें कि पूरा शरीर पानी हो गया है ना। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन भाई आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, ज़रूरी नहीं कि एसी में रहकर ही पढ़ाएं, है ना। हम गरीब घर से हैं, हम बिल्कुल एकदम देहात से हैं, तो भाई ये तो जायज़ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गॉस की परमेय। चलिए गॉस की परमेय हो गया, अब इसको हम सीख लेते हैं कि किस तरह से इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अब हम एक डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों और उसी के मदद से हम क्या करेंगे, गॉस की परमेय का निगमन करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना क्या है वो चीज समझ लीजिए कि इसमें लिखेंगे कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना, है। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक जो पृष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो एक गॉसियन पृष्ठ हमने बच्चों खींच लिया है। अब लिखेंगे कि माना इसके यानी गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु ओ पर, ठीक है ना, किसी बिंदु ओ पर हमने क्या किया है, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है, ठीक। अब इससे यानी इस आवेश क्यू से आर दूरी पर इसके पृष्ठ पर यानी गॉसियन पृष्ठ पर, कहां से आर दूरी पर इसके गॉसियन पृष्ठ पर क्या है, एक बिंदु पी है, ठीक। तो यहां पर हम मान लेते हैं बच्चों एक बिंदु पी है, ठीक। अब इसको थोड़ा ऐसे मिला देते हैं, ये यहां गया और ये यहां गया, ठीक है ना, और ये दूरी हमने क्या माना था, ये जो दूरी है ये आर है, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये जो छोटा वाला भाग है इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या है, डीए। भाई पूरे का क्षेत्रफल ए है तो इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल डीए होगा। अब इस डीए के द्वारा यानी इस छोटे वाले भाग के द्वारा बिंदु ओ पर यानी यहां पर जो बिंदु है बच्चों, इस बिंदु ओ पर जो अंतरित जो घन कोण होगा यानी इसके द्वारा बनाया गया जो घन कोण होगा वो डी ओमेगा होगा, ठीक। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वेक्टर ई होगा और इसके साथ यानी डीए के साथ भाई ये क्या करेगा, कोण बनाएगा। तो ये जो कोण बनाएगा बच्चों वो कोण हो जाएगा थीटा। बात समझ में आई, इतना समझ गए। अब इसी के मदद से हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का
पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे कि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा, यानी उसकी तीव्रता कितनी होगी। तो हम लिखेंगे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी इसके कारण P पर कितना तीव्रता होगा, तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक, इसका डेरिवेशन भी हमने करा दिया है पहले वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये हो जाता है कि मतलब किसी आवेश के कारण यहां पर बिंदु P पर क्या परिणामी तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि इस DA द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, ठीक है ना। तो निकालेंगे बच्चों कि DA द्वारा, DA क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है, तो DA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया या अंतरित, ठीक, बनाया गया घन कोण, तो घन कोण कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। यह फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि किसी क्षेत्रफल यानी डी ए द्वारा यहां पर बिंदु ओ पर बनाया गया जो घन कोण होगा वो कितना होता है बच्चों, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। बात समझ में आई, चलिए इतना हो गया। अब हम निकाल लेंगे कि डी ए से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा भाई, तभी तो भाई सबसे पहले हम छोटे वाले भाग से निकालेंगे फिर पूरे क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, बस कहानी खत्म। तो लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी ए के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा डी फाई ई। डी लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि सूक्ष्म भाग के लिए डी लगता है यहां पर, ठीक है ना, छोटा क्षेत्रफल है डी ए लगा दिए, और छोटी दूरी होता है तो डी आर कर देते हैं। उसी तरह छोटा क्षेत्रफल हो भाई, छोटी ये जो छोटा क्षेत्रफल होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी थोड़ा ही होगा, इसलिए डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक ना। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए ये कहां से आया, चूंकि बच्चों फार्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। देन अब क्या करेंगे, देखिए अब हमने बताया ना, अब कुछ करना नहीं है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा डी इंटू ए, सॉरी डी फाई ई बराबर हो जाएगा भाई, ई का मान रखना है, ई बराबर क्या है बच्चों, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ई का मान, और उसके बाद क्या था, डी ए कॉस थीटा है, ठीक। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम थोड़ा सही से लिखना चाहेंगे, तो क्यू अपान 4πε0 और ये हो जाएगा डी इंटू ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक ना। और इतने बराबर भी क्या होता है, घन कोण यानी डी ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों डी फाई ई बराबर, ठीक ना, क्यू अपान 4πε0 इसके स्थान पर डी ओमेगा। तो ये हमने छोटे से भाग द्वारा कितना क्षेत्रफल मतलब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकाला है। अब हम निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण की बात आता है तो ये डी हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, क्यू अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा। और यहां पर जो है डी ओमेगा है ना, तो यहां पर हम समाकलन लगाएंगे डी ओमेगा। अब ये जो है यानी समाकलन डी ओमेगा है, समाकलन का मतलब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण है और इसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण की बात आएगा तो बच्चों ये इसके बराबर होता है फोर पाई, ये भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे क्या, यहां पर हम रख देंगे फाई ई बराबर, ठीक है ना, फाई ई बराबर रख देंगे बच्चों क्यू अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट और इसके स्थान पर फोर पाई, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, देन यहां पर क्या बनेगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू ऊपर बचा नीचे केवल एप्साइलन नॉट, ठीक है ना। और यही क्या करना था रसगुल्लों, हमको प्रूव करना था भाई साहब, यही हमको सिद्ध करना था, बात समझ में आई। तो ये फाई ई बराबर क्यू अपान एप्साइलन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्साइलन नॉट, यही चीज हमको प्रूव करना था। तो है ना मजेदार, कुछ भी नहीं है, बस सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसके इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाला, फिर छोटे भाग DA के द्वारा कितना घनकोण बनता है घनकोण निकाल लिया, फिर छोटे वाले क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकाल लिया, फिर अब संपूर्ण क्षेत्रफल से, क्योंकि इसमें कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो भाई इस पूरे बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, तो वही हमने निकाल दिया, तो फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना मजेदार। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए भाई, आप लोग करते नहीं हैं, थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि इतनी गर्मी में एकदम पसीने से भीग गए, आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, वही देख करके तो हमें एक अंदर से जोश और जुनून मिलता है भाई, इस गर्मी में आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते, खैर आपकी मर्जी, करिए या ना करिए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।